जय श्री राम का जो नारा है जो लगाया जाता है, ये हमारे धर्म में ये कोई नफरत नहीं फैलाता। जय श्री राम का नाम आपके आज जो है हिंदू धर्म से जब भगवान का नाम है तो हम उससे नफरत नहीं करते। योगी जी का जो है 5 साल वो कार्यकाल बिल्कुल बेहतर रहा, क्योंकि दंगा फसाद गुंडा और एक भय जो आप बार बार हमसे सवाल करते हैं कि भय मुक्त रहा, ये सच्चाई यही है कि भय तो मुक्त रहा ही, गुंडा बदमाश योगी जी का हेलीकॉप्टर देख के भाग जाते रहे। हमारा भी यही मानना है कि योगी जी के कार्यकाल में मुसलमान बिल्कुल सुरक्षित रहा और रहेगा। अवैसी साहब जो है वो बैरिस्टर हैं, अगर कोई कानून बनता है तो उसके लिए मर मुकदमे भी होते हैं। अवैसी साहब कभी जो है कोर्ट कचहरी में नहीं खड़े हुए, केवल स्टेट पे बोलते हैं, मुसलमानों को केवल बरगलाते हैं। हम अयोध्या के हैं और अयोध्या के निवासी हैं, और मैं पूरे उत्तर प्रदेश के हिंदू हो मुसलमान हो उनको एक संदेश देना ये भी चाहते हैं कि जिसने भी अच्छा काम किया हो, जिसके अंदर फीलिंग ना हो, जिसके अंदर ज़्यादा राजनीति ना हो, जिनके अंदर लोगों के जो है प्रति नफरत ना हो, सपोर्ट लोग उसी का करें चाहे वो बीजेपी का। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रमेश सोलंकी, आप देख रहे हैं खबर एक्सपर्ट। आज खबर एक्सपर्ट उत्तर प्रदेश के अयोध्या जी में आया हुआ है, जहां पर चुनावी कवरेज दिखा रहा है। हमारे साथ विश्व की मानी हुई हस्ती बैठी हुई है, जो कि अयोध्या बाबरी मस्जिद और मंदिर पर आपने नाम सुना होगा, मोहम्मद इकबाल अंसारी। ये मस्जिद के जो मुद्दई बाबरी मस्जिद है अयोध्या में, उसके पक्षकार भी हैं, हिंदुस्तान इनको नाम से जानता है। आज इनके बारे में चर्चा हुआ करती थी, आज सभी को अपने दर्शकों को इनसे रूबरू कराते हैं और इनकी बेबाक राय जानते हैं कि चुनाव में क्या होने वाला है। जी सर, साहब आपका खबर एक्सपर्ट स्वागत है। सर जी, तो आप बताएं कि चुनाव आने वाला, कल चुनाव है आपके यहाँ पर? देखिए, चुनाव तो हमारे यहाँ कल है, लोग वोट भी देंगे। अच्छा, हवा किधर बैठेंगे? देखिए जो है ये अयोध्या है, अयोध्या में जो है अयोध्या धर्म की नगरी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे धर्म के सारे जात के देवी देवता यहाँ विराजमान है, और सारे नेता जो है भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए अयोध्या आए, और अयोध्या से जो हवा चलती है वो जो है चारों तरफ चौमुखी होती है यहाँ की हवा, क्योंकि भगवान तो सबके लिए है। सर जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि यहाँ पर सभी धर्मों के देवी देवता यहाँ आते हैं और सभी धर्मों के लोग भी यहाँ पर आते हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, वो ईश्वर के यहाँ पर दर्शन करने आता है। थोड़ा सा हम अयोध्या जी के बारे में पूछेंगे कि ऐसा क्या विशेष महत्व है जो कि आपने बताया कि हिंदुस्तान के कोने कोने से और विश्व तक के लोग यहाँ पर आते हैं, तो ऐसा क्या खास चीज़ है यहाँ पर? देखिए, ये अयोध्या धर्म की नगरी है, अयोध्या में सारे जात के सारे धर्म के देवी देवता विराजमान हैं। एक तरफ सरजू नदी है तो एक तरफ हनुमान जी का मंदिर है, श्री सले सलाम की मजार है, सारे जो है सिखों का गुरुद्वारा भी है। अयोध्या में आने से लोगों के जो है तन भी साफ होते हैं, मन भी साफ होते हैं, तो ये अयोध्या है। अयोध्या की हवा जो है लगने पे इंसानों के जो है जो मन साफ होते हैं, तन साफ होते हैं, जो भी अयोध्या आया है वो भी वही अच्छा काम करेगा, क्योंकि अयोध्या है। ये अयोध्या 5 किलोमीटर की ऐसी नगरी है कि यहाँ का जो है लोग साधु संतों का परिक्रमा भी करते हैं, तो इसलिए अयोध्या शुद्ध है। यहाँ आने के बाद में जो है वो वातावरण भी शुद्ध होता है, उनका तन मन भी साफ होता है, तो लोग अच्छा काम करेंगे। जो भी आया है सबके लिए यहाँ साधुओं का आशीर्वाद भी है, और इतने लोग यहाँ हैं, सारे देवी देवताओं का भी आशीर्वाद है, तो जो लोग यहाँ से जीत के जाएंगे वो अच्छा काम करेंगे। सर जी, आपका बहुत अच्छा लगा कि सभी धर्मों के प्रति आप सम्मान रखते हो, लेकिन मैं एक चीज पूछूंगा, अयोध्या में जैसे साधु संतों की बात हुई, तो साधु संतों के लिए ऐसा खास चीज क्या, पर किसका ऐसा यहाँ पर जैसे जन्मभूमि बताते हैं, तो थोड़ा उनके बारे में आपके द्वारा सुनना चाहते हैं कि जैसे श्री राम की जन्मभूमि बताते हैं यहाँ पर, तो लोगों को इसके बारे अयोध्या कर थोड़ा सा प्रकाश डाल, ताकि हमारे दर्शक आपको सुन सके। देखिए दर्शक, अयोध्या में सबसे जो है यहाँ अहम चीज तो सरजू नदी है, क्योंकि देखिए महाराज जी बैठे हुए हैं, एक बार कैमरा महाराज जी के ऊपर घुमावें, ये अयोध्या है, ये साधुओं की एक नगरी है, और अयोध्या में सरजू नदी है। सबसे जो है बड़ा महत्व पहले स्नान करने के बाद मंदिरों का दर्शन होता है, देवी देवताओं का दर्शन होता है, तो अयोध्या के जो है महत्व माना जाता है कि यहाँ सारे धर्म के सारे जात के देवी देवता विराजमान है। मैं किसी जो है देवी देवता का जो है मैं सम्मान करता हूँ, कभी ये नहीं कहता कि कौन देवता नीचे है कौन ऊपर है,
हमारे लिए यहाँ जितने भी देवी देवता विराजमान हैं सब एक सम्मान है। हर जात के मानने वाले हैं, हर धर्म के मानने वाले हैं, आशीर्वाद लोगों का सबका मिलता है। जैसे हम आपका नाम सुनते थे कि आप सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, वास्तव में उसी तरह से हो। और आज हमारे दर्शक बड़ा गौर से आपको देखेंगे क्योंकि आप वो दुनिया की मानी हस्ती हो जो सभी धर्मों का, और आपने हिंदू पक्ष में भी मुस्लिम पक्ष में भी अपना कुछ रखा। तो थोड़ी सी बात करेंगे कि यहाँ पर मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ आपसे, क्या श्री राम जी की जन्मभूमि है, क्या श्री राम भगवान थे? देखिए सवाल यहाँ भगवान के बारे में है, क्योंकि हमारी उम्र 50 साल है, 53 साल है। हम भगवान के बारे में, उनके जन्म के बारे में हम जानते भी नहीं हैं, मेरे बाप दादा भी नहीं जानते हैं, क्योंकि भगवान पूरी दुनिया को चलाने वाला है। इतनी बड़ी दुनिया है और सब जगह कणकण में भगवान है, चाहे अल्लाह हो, चाहे भगवान हो, चाहे गॉड हो। तो अब कहाँ पैदा हुए और जो है हम उनके बारे में ये जानकारी हम नहीं दे पाएंगे। ये इतना ज़रूर जानते हैं कि अयोध्या जो है वो पूरी जो है पूरी 5 किलो की जो है 5 किलोमीटर की नगरी जो है ये बिल्कुल शुद्ध है, कि सारे धर्म के सारे जात के देवी देवता इसी 5 किलोमीटर में विराजमान है। सर जी हमने देखा उनका साया है, कहाँ वो रहते हैं ये कोई किसी को हमारे लिए बताना ये बहुत बड़ी बहुत मुश्किल की बात है। पूछूंगा, हमने देखा कि आप जय श्री राम भी बोलते हो, तो जय श्री राम यानी ईश्वर अल्लाह जय श्री राम, तो जय श्री राम भी बोलते हो, तो दर्शकों को बताएं कि हिंदू मुस्लिम एक नहीं है, हम जय श्री राम भी। ये हम अयोध्या के हैं, जय श्री राम का जो नारा है जो लगाया जाता है ये हमारे धर्म में, ये कोई नफरत नहीं फैलाता। जय श्री राम का नाम आपके आज जो है हिंदू धर्म से जो भगवान का नाम है तो हम उससे नफरत नहीं करते। जय श्री राम कहने से हम आपके सामने कह रहा हूँ, जोर से बोल सकते हो जय श्री राम? देखिए जोर से बोलने की बात नहीं ना, हमारा मजहब साफ कहता है कि ना जो है जब भी नारा लगाया जाता है मुसलमान अल्लाह अकबर का नारा लगाएगा, हिंदू जय श्री राम का नारा लगाएगा। ये जब बहुत खुश होते हैं तो ये नारा लगाते हैं, चाहे वो मुसलमान हो चाहे हिंदू। आप दोनों को सम्मान मानते हैं? बिल्कुल सम्मान मानते हैं। जय श्री राम कहने से क्या हम जो है मुसलमान से हिंदू नहीं हो जाएंगे? आपने जय श्री राम का जो है यहाँ एक नारा सुनते ही रहते हैं तो क्या हम उसका विरोध नहीं करते? तो भगवान का नाम है, चाहे जिस तरीके से लो, चाहे अल्लाह अकबर करके लेंगे, चाहे जय श्री राम का करेंगे। आपने बहुत अच्छा बताया चीजें। मैं थोड़ी अब राजनीति के बारे में बात करूंगा कि कल चुनाव है तो क्या लग रहा है यहाँ पर हवा किस? देखिए हम तो आप इससे पहले भी हम बता चुके हैं कि अयोध्या ये देवी देवताओं की नगरी है, अयोध्या से जिन्होंने भी जो है अपना शुभारम्भ किया है चुनाव का उसकी जीत होगी, क्योंकि अयोध्या में ये भविष्यवाणी है, चाहे वो भगवान राम की हो, चाहे जय श्री राम की हो, चाहे जो है हमारे यहाँ जो है अल्लाह की हो। यहाँ कहा गया है, सीधे सीधे कहा गया है, क्या कोई ना आलिम रहेगा ना कोई जालिम रहेगा। इसीलिए जो भी यहाँ लोग आते हैं सरजू स्नान करने के बाद उनका तन भी साफ होता है, दर्शन करने के बाद मन भी साफ होता है। तो यहाँ कौन जीतेगा ये हमारे लिए बताना बहुत मुश्किल बात है। जितने जिन लोगों ने भी अच्छा काम किया है वही देश में राज करेगा, क्योंकि यहाँ मैं आपको एक चीज पूछूंगा, अभी यहाँ कहा गया है ना कोई आलिम रहेगा ना कोई जालिम रहेगा। तो इसलिए जिन्होंने भी जो है भगवान का नाम लेकर के और जो है इलेक्शन में नेता नगरी बनने के लिए यहाँ आए हैं उनको अच्छा काम भी करना पड़ेगा। ये 100% है, अयोध्या आने के बाद में उनके उनकी शुद्ध वातावरण में जो है उनको जिंदा रहना है और फीलिंग से उनको दूर रहना है, क्योंकि हमारा मजहब चाहे हिंदू का धर्म हो, हिंदू में भी कहा गया है, हिंदू धर्म भी कहता है कि जो है निर्बल दुर्बल पर जो है दया करो। हिंदू धर्म में चीटी जो है चीटी मारने पर भी जो है वो जो सीताराम सीताराम कहते हैं, ठीक ऐसे मुसलमानों में भी है कि मुसलमान अभी एक ऐसा मजहब है कि जो है गरीब यतीम हो, गरीब हो, मिस्कीन हो, उनकी मदद को जो है करो। तो जो लोग यहाँ जो है यहाँ आए हैं वो जो है जीत के जाएंगे, जितने लोगों ने दर्शन किया है वो लोग जीतेंगे। बहुत अच्छा, न आलिम रहेगा न जालिम रहेगा, आपने बहुत अच्छा कहा ये। लेकिन मैं एक चीज़ पूछूंगा कि योगी जी की आपने शासन देखा, क्या यहाँ पर ऐसा भय जो लोग बताते हैं कि भाजपा सरकार में भय मुसलमानों पैदा करती है या विकास के मामले में, थोड़ा सा योगी जी के बारे में बताएं? देखिए योगी जी का जो है 5 साल वो कार्यकाल बिल्कुल बेहतर रहा, क्योंकि दंगा फसाद गुंडा और एक भय जो आप बार बार हमसे सवाल करते हैं कि भय मुक्त रहा, ये सच्चाई यही है कि भय तो मुक्त रहा ही, गुंडा बदमाश योगी जी का हेलीकॉप्टर देख के भाग जाते रहे, उतरने से भाई उनके पहले ही यहाँ सब भाग गए, पहले ही भाग गए। तो जो है मुसलमानों का कोई जो है योगी जी का कोई जो दबाव नहीं रहा है, क्योंकि लोग केवल बदनाम करते रहे,
योगी जी आएंगे तो मुसलमानों को यहाँ उखाड़ फेंकेंगे। खौफ फैलाया लोगों ने, चंद नेताओं ने, कुछ हिंदू कुछ मुस्लिम नेताओं ने खौफ फैलाया था बीजेपी का कि योगी जी आएंगे तो मुसलमानों को दबा के रखेंगे, लेकिन ऐसा कुछ ये बिल्कुल आपने सच जो है, हम भी यही कहते हैं कि इससे पहले भी हमने यही कहा है कि योगी जी के कार्यकाल में दंगा मुक्त रहा उत्तर प्रदेश, जो है योगी जी की सरकार में दंगा मुक्त रहा, और योगी से जो है मुसलमान कभी जो है योगी जी के बारे में मुसलमानों ने कोई विरोध नहीं किया, कहीं धरना नहीं दिया, कहीं प्रदर्शन नहीं किया, कहीं इनके लिए कोई तकरीर नहीं किया कि योगी जी कहीं भी अगर गलत है तो मुसलमान उसके लिए तकरीर कहीं करता, लेकिन ऐसा पूरे उत्तर प्रदेश का मुसलमान कहीं पर कोई तकरीर नहीं किया कि हाँ कि योगी जी का नारा जो है कहीं लगा हो या कहीं खिलाफ बोले हों। हमारा भी यही मानना है कि योगी जी के कार्यकाल में मुसलमान बिल्कुल सुरक्षित रहा और रहेगा। तो आपने उनको नंबर वन का मुख्यमंत्री पर मोहर ठोंक दी कि एकदम सही है, उनके में विकास के बारे में थोड़ी बात करें, सुरक्षा के बारे में बात की कि सुरक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छी सरकार रही योगी सरकार, लेकिन विकास के बारे में अयोध्या के बारे में स्पेशली बात कर रही है, तो विकास अयोध्या आप भी इससे पहले भी आए हैं आज भी आए हैं, अयोध्या में सड़कें भी होना चाहिए, वो भी सड़क यहाँ बेहतर नहीं है, अयोध्या में पार्किंग होना चाहिए, अयोध्या अब तो बड़ी हो चुकी है, यहाँ मिल फैक्ट्री भी होना चाहिए, क्योंकि लोगों को रोजगार भी चाहिए, जब तक अयोध्या में रोजगार नहीं बढ़ेगा विकास नहीं बढ़ेगा तो मंदिर मस्जिद और जो है गुरुद्वारे से लोग ये आस्था हमारे जो है दर्शन की है, जो है पूजा पाठ की है, नमाज पढ़ने की है, हम कहाँ जाएंगे, ये हमारे लिए तो भी कुछ होना चाहिए। तो अभी ये 5 साल में कुछ विकास अन्य सरकारों की अपेक्षा या वैसा ही रहा और बदतर हो गया क्या? देखिए विकास यहाँ की बहुत बड़ी कमी है, सरकारें यहाँ बहुत सी आईं, इससे पहले भी जो है मायावती की भी सरकार का कांग्रेस की भी हमने देखा और भाजपा की भी देखा, बसपा की भी देखा, सपा की भी देखा, भाजपा की भी देखा, सरकार की हर मुख्यमंत्रियों की जिम्मेदारी बनती है कि अयोध्या से लोग राजनीति करते थे लेकिन अयोध्या का विकास नहीं करते थे। अच्छा एक चीज़ और पूछूंगा, ये आपने बहुत अच्छी बात कही, संदेश भी दिया कि आप राजनीति यहाँ से करते, कोई धर्म पार्टी हो लेकिन यहाँ विकास की ओर भी सोचें। मैं एक चीज़ कहूँगा कि कुछ लोग हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, आपने यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश दिया है, लेकिन जैसे ओबीसी जी हैं, ओबीसी जी कहते हैं कि हमारा मुस्लिम खतरे में है, तो इस पर क्या कहेंगे ओबीसी जी? देखिए सवाल ओबीसी जी के है, ओबीसी साहब जो है वो बैरिस्टर हैं, अगर कोई कानून बनता है तो उसके लिए मर मुकदमे भी होते हैं, अवेसी साहब कभी जो है कोर्ट कचहरी में नहीं खड़े हुए, केवल स्टेज पे बोलते हैं, मुसलमानों को केवल बरगलाते हैं। हमारा तो यही मानना है कि अगर कहीं पे मुसलमानों के खिलाफ हो रहा है तो उसके लिए नियम कानून देश में हमारे बने हुए हैं, तो कानून का सहारा लेना पड़ता है, अगर किसी के साथ नाइंसाफ़ी होती है तो लोग कोर्ट कचहरी जाते हैं, अवेसी साहब स्टेज लगाते हैं, इसलिए कोई उसका कोई मतलब नहीं है, मुसलमान जो है अवेसी साहब की बात का जरा सा भी ध्यान नहीं रखता। क्या इस अब की जो विधानसभा चुनाव है, इस चुनाव में ओबीसी जी ने जितनी रैलियां की हैं, मुस्लिम बहुत इकट्ठा हुआ, एकत्रित हुआ, क्या उनका प्रभाव पड़ेगा, कोई जादू चलेगा यूपी में? कोई जादू नहीं है यूपी में, ओबीसी साहब केवल जो है यूपी घूमने आए थे हैदराबाद से, इतना ही मतलब है, मुसलमान भी जहाँ जहाँ जाता है ओबीसी साहब को देखने आता है, कैसे बोलेंगे, बाकी कोई अमल नहीं करता, क्योंकि आने वाला कल जो है 10 तारीख तक लोग जो है बताएंगे कि ओबीसी साहब को यहाँ जो है जमानत नहीं जो है नहीं बचेगी। अच्छा आपने बहुत अच्छा कहा कि ओबीसी जी केवल राजनीति टीवी वाली करते हैं, मुस्लिमों का कोई, चूँकि मुस्लिमों को अपना समझना चाहिए कि उनका धर्म है, उनका कानून है अपना एक, चूँकि देश संविधान से चलता है, आपने संविधान की बात कही कि उनका कानून है, ओबीसी जी के कहने पर या इस तरह से हिंदू मुस्लिम का बंटवारा करने से यहाँ पर देश मजबूत नहीं होगा, लेकिन मैं एक चीज़ पूछूंगा, थोड़ा सा अंतिम प्रश्न होगा मेरा, कि मुस्लिम की हवा उत्तर प्रदेश की किधर है इस वर्ष, कौन सी सरकार को चाहती है? देखिए ऐसा है कि ओबीसी जी की जो है यहाँ की जो सरकारें हैं, मुसलमान जो है योगी जी कोई बुराई नहीं कर रहा है, ना मुसलमानों के पास ठेका है कि हम जो है सरकार बदल देंगे जब तक हिंदू नहीं चाहेगा, तो हमको भी जो है इस वक्त बताना मुश्किल है, क्योंकि जो है ये अयोध्या से जो हवा चलती है ये चौमुखी है, अयोध्या की हवा चौकी, जिसने भी यहाँ अच्छा काम किया होगा उसी की सरकार बनेगी। तो आप इशारों में कह रहे हो कि योगी जी फिर से आ रहे हैं, आप इससे तो पहले भी जो है हमने कहा है कि योगी जी की सरकार बननी चाहिए, क्या फर्क पड़ता है भाई, योगी जी से जो है मुसलमान कोई परेशान थोड़ी ना है, ये कोई मेरी जिम्मेदारी थोड़ी ना है कि हम जो है योगी जी को हम हरावेंगे, अरे अगर जो है हमको कोई, तो हम लोग को कोई परेशानी नहीं, जब हम मुसलमान को कोई परेशानी ही नहीं तो हम क्यों किसी की सरकार बदलेंगे,
तो अभी अंसारी जी ने इनकी बात सुनी कि हमें हिंदू मुस्लिम से कोई परेशानी नहीं, हमें मुस्लिम भी सुरक्षित हैं बीजेपी सरकार में, वो चाहते हैं कि बीजेपी सरकार बने, लेकिन मैं अंतिम एक चीज कहूँगा, हिंदू मुस्लिमों के लिए आप अपने द्वारा क्या संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि आपको विश्व ने देखा था जब बाबरी मस्जिद और मंदिर का मामला आया था तो विश्व आपको देख रहा था, मोहम्मद इकबाल अंसारी को लोग नाम से जानते हैं, पूरे प्रदेश में पूरे देश में जानते हैं, आज आपसे रूबरू भी हो रहे हैं, तो एक केवल एक संदेश हिंदू और मुस्लिमों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं कि एकता और विखंडता पर जी, तो क्योंकि इन्होंने अभी बात की है हिंदू मुस्लिम की और बताया कि कुछ नेता केवल बरखलाते हैं, लेकिन इनसे बात करेंगे अभी केवल एक संदेश कि हिंदू मुस्लिमों को क्या संदेश देना चाहते हैं, कैसे रहना चाहिए। देखिए, हम अयोध्या के हैं और अयोध्या के निवासी, और मैं पूरे उत्तर प्रदेश के हिंदू हो मुसलमान हो उनको एक संदेश देना ये भी चाहते हैं कि जिसने भी अच्छा काम किया हो, जिसके अंदर फीलिंग ना हो, जिसके अंदर ज़्यादा राजनीति ना हो, जिनके अंदर लोगों के जो है प्रति नफरत ना हो, सपोर्ट लोग उसी का करें चाहे वो बीजेपी का। बहुत बड़ी आपने बात कही कि नफरत न हो, सपोर्ट उसी को करें जो सुरक्षा की बात करे, जो विकास की बात करे, भले ही बीजेपी क्यों न हो। मैं तो समझता हूं कि ऐसे आप जैसे नेता, चाहे हिंदू में हो चाहे मुस्लिम में हो, उन्हें एकता का ऐसे ही संदेश देना चाहिए जिससे कि ये नफरत के बीच, जो नफरत की आंधी हिंदू मुस्लिम के बीच है, वो खत्म हो जाए। तो आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश ही नहीं भारत के जाने माने मोहम्मद इकबाल अंसारी, जो बाबरी मस्जिद, जिसका पूरा नाम यहाँ पर लिखा हुआ, मैं अपने उनसे कहूँगा सहयोगी से, देखो इनका लगा हुआ है, इनके शायद फादर हैं मरहूम हाजी हासिम अंसारी, ये भी मुद्दई बाबरी मस्जिद अयोध्या के क्या रहे थे, ये बाबरी मस्जिद से ये भी जुड़े हुए थे, पक्षकार थे, और अब इनके पिताजी हैं। अब ये मोहम्मद इकबाल अंसारी मुद्दई बाबरी मस्जिद अयोध्या, जो कि मोहल्ला कोटिया पाजी टोला अयोध्या फैजा यानी अयोध्या में रहते हैं, तो इन्होंने बाबरी मस्जिद के पक्षकार हैं, और इन्होंने बोला एक बार कि मस्जिद या मंदिर जो भी मसला था वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिस पर क्या आपने बताया था कि लोग ये सोचते हैं कि भाजपा ने ऐसा कर दिया, सपा ने ऐसा कर दिया, तो बाबरी और मस्जिद और मंदिर का मसला किसके द्वारा। देखिए, सवाल जो है, 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, मस्जिद का फैसला मंदिर का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया है, और पूरे उत्तर प्रदेश का पूरे दुनिया के मुसलमानों ने कोर्ट का सम्मान किया, हम भी पक्षकार थे, हमने भी सम्मान किया कि जो है हम हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, और जिस मुल्क में भी रहेंगे, चाहे जिस पूरे दुनिया में कहीं भी रहेंगे, और हमें कानून का सम्मान करना है, जो कानून हमारे देश का है उसका हमारा सम्मान करना हमारा फर्ज है, हमने भी जो है सम्मान किया, कोर्ट ने फैसला किया, हमने भी सम्मान किया, अब जो है हिंदू और मुसलमानों में कोई विवाद जो है नहीं है, तो हम ये चाहते हैं कि अगर कानून ने फैसला किया तो हमने सम्मान किया है, अब जो है बाबरी मस्जिद का राम जन्मभूमि का जो है मसला जो है वो कोर्ट से ख़त्म हुआ, ट्रस्ट के हाथ में है, मंदिर बन रहा है, मुसलमानों का कोई विरोध नहीं है और शांति व्यवस्था बिल्कुल कायम है। तो आपने ये बेवाक राय राजनीति पर, सरकार पर, हिंदू मुस्लिमों पर, मंदिर मस्जिद पर ये बेवाक राय रखी उत्तर प्रदेश के, भारत के जाने माने मुद्दई बाबरी मस्जिद अयोध्या के पक्षकार मोहम्मद इकबाल अंसारी ने। इन्होंने अपनी बातों ही बातों में संदेश दे दिया कि हिंदू हो चाहे मुस्लिम, उसी सरकार को चुने जो नफरत न फैलाए, जो विकास करे, जो सुरक्षा दे, यानी कहने का मतलब इन्होंने बोल दिया कि बीजेपी के लिए सीधा इशारा किया, और उन्होंने हिंदू मुस्लिम से यह भी संदेश दिया कि आप इस तरह से हिंदू मुस्लिम के नाम पर जो बांटे उसे दूर रहें, उसी पर रहें जो सुरक्षा या फिर रोजगार की बात करें, जो विकास की बात करें। धन्यवाद।